सफलता, हर किसी को सफल होना है, सफलता त्याग मांगती है, सफलता बलिदान मांगती है, और सफलता सिर्फ अच्छी आदतों से मिलती है। ऐसी 7 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए पाना असंभव नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है गुस्सा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। कहा जाता है कि भगवान जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हैं उसे सबसे पहले गुस्सा दिलाते हैं। गुस्सा विनाश का प्रतीक होता है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के ऊपर भी गुस्सा ना करें। दूसरी जो आदत है वो है नशा। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा आपकी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिससे आप गलत निर्णय लेकर के असफलताओं की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। नशा करके कभी भी भला नहीं होता है। नशा सिर्फ और सिर्फ विनाश ही करता है, हमारी बुद्धि का विनाश करता है, हमारे धन का विनाश करता है, हमारे परिवार का विनाश करता है। इससे बचना है। तीसरी जो आदत है वो है आलस। हमारे दिमाग में 2 लोग रहते हैं, एक कामचोर और दूसरा एक्शन मैन। कामचोर हमेशा कहता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, जीना है अभी वर्षों। ये सोच हमें आलसी और निष्क्रिय बना देती है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें इस मानसिकता से बचना चाहिए और इस आलसी मन से कह दें कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। सो कभी भी आलस को अपने शरीर में नहीं आने देना है, आलस से दूर रहना है। ये एक अच्छी आदत डाल करके आप दूसरों से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। यानी जो काम कल पर टाल रहे हो उसे आज ही निपटा लो, और जो आज का है उसे इसी क्षण में पूरा करो। जीवन में अनिश्चितताएं बहुत हैं, इसलिए आलस्य को त्याग कर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सो चौथी जो चीज है वो है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। टीवी से दूरी बना लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपकी जिंदगी उल्टी कर सकता है। जब भी फिल्म देखें तो बायोग्राफी देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5वां जो पॉइंट है वो है पार्टी। अनावश्यक पार्टियों में समय ना गवाएं। महीने में एक बार पार्टी करना ठीक है, लेकिन इसे रोज या हर हफ्ते की आदत ना बनाएं, इससे बहुत समय बर्बाद होता है। 6 नंबर है ज्यादा सोना। सोना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सोना हमें बीमार बना सकता है। 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, इसे अधिक कभी ना सोएं, चाहे वो रविवार का दिन ही क्यों ना हो या कोई छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, 8 घंटे से ज़्यादा कभी भी ना सोएं। 7वीं जो चीज़ है वो होती है निगेटिव सोच, निगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो भी आसपास के लोग हैं अगर निगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर हो जाइए, और अपने दिमाग में कोई भी निगेटिव थॉट मत लेकर के आइए, अपने मुंह से कोई भी निगेटिव वर्ड मत बोलिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही रहें। ये 7 आदतें आपको अपने सपने को पूरा करने में बहुत मदद करेगी। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें और मेरी गारंटी है कि आपके सभी लक्ष्य पूरे होंगे। थैंक यू।